और बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता दें, खबर भोपाल से, जहां पर फ्री बीच के कारण अब कर्ज में एमपी सरकार फंस गई है। पहली बार 88,540 करोड़ का कर्ज अब सरकार लेगी। पिछले साल से डेढ़ गुना ज्यादा ये कर्ज होगा जो सरकार लेने जा रही है। 15,000 करोड़ का कर्ज बाजार से सरकार उठाएगी। कर्ज लेने के बाद लाडली बहना जैसी योजनाएं संचालित हो पाएंगी और हर साल लाडली बहना योजना पर करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बात कर ले फ्री बिजली की तो इस पर भी 5,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कृषि पंप सब्सिडी पर 17,000 करोड़ खर्च होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, फ्री बीच के चक्कर में अब कर्ज में मध्य प्रदेश की सरकार फंस गई है। हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग जी, एक बार फिर से कर्जा उठाएगी एमपी सरकार, क्या जानकारी इसको लेकर? लगातार कर्ज का दबाव जो है वो सरकार पर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चूंकि बजट पेश होना है और बजट पेश होने के पहले सरकार कोशिश करती है कि जो मैक्सिमम कर्ज है वो ले लिया जाए और वही कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस है। 88,540 करोड़ का तकरीबन कर्ज लेने की तैयारी है, लेकिन निश्चित रूप से चिंता की बात इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश जो कर्ज में लगातार उलझा हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण फ्री बीज है। दरअसल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना है, 18,000 करोड़ रुपए इसमें जा रहे हैं और ये जो पैसा जा रहा है उसके कारण हमने देखा कई सारे विकास कार्य पहले ही डंप हुए हैं, खासतौर पर नगरीय विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों के काम अटके हुए हैं। इसके अलावा लगभग 5,500 करोड़ की फ्री बिजली जो है वो जा रही है। इलेक्ट्रिक सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी लगभग जो है वो 2,000 करोड़ की है, जिसमें 1,700 करोड़ सिर्फ बिजली में जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है, लेकिन सीधा जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो वो लाडली बहना के कारण पड़ा है और उसके बाद बिल्कुल डावाडोल स्थिति हो गई और यही कारण है हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज एक बार फिर से सरकार बाजार से लेगी और फ्री बीच के चक्कर में ये कर्ज सरकार को एक बार फिर से उठाना पड़ेगा।